अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों आज हम देखेंगे मार्केट वाला हेन्ना पाउडर। जी हाँ, नूपुर हेन्ना पाउडर से स्टेन कैसा रहेगा। नेचुरल ऑर्गेनिक हेन्ना पाउडर अवेलेबल ना रहे, कभी हमें अर्जेंट रहा तो क्या हम इस हेन्ना पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, इसका स्टेन किस तरह आएगा। तो आपने देखा ही है रेसिपी को मैंने किस तरह प्रिपेयर किया। सिर्फ इसके अंदर मैंने शुगर को ऐड किया और फाइनल में मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्योर नीलगिरी ऑयल ऐड करूँगी। जितना नेचुरल हेन्ना पाउडर से स्टेन आता है उतना कौन से भी मार्केट पाउडर से, यानी जो रेडीमेड मार्केट के पाउडर्स मिलते हैं, उसे स्टेन नहीं आएगा। बट थोड़े बहुत ऐसे पाउडर्स हैं जिसको हम अगर अर्जेंट रहा, अगर हमारे पास नेचुरल पाउडर्स अवेलेबल नहीं रहे, तब हम इस तरह मार्केट वाले हेन्ना पाउडर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका लाइव रिजल्ट यानी किस तरह स्टेन आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत छोटा ही वीडियो क्लिप है क्योंकि आप लोगों के बार बार सवाल इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि हमें नेचुरल हेन्ना पाउडर नहीं मिल रहा है, हम मार्केट वाले यानी ऑनलाइन से भी मंगाएं तो कौन से हेन्ना पाउडर यूज़ करें, एक बार नूपुर हेन्ना पाउडर का रिव्यू दिखा दीजिए। 4 to 5 hours सेट होने के बाद हम इसको यूज़ करके देखेंगे। हम जितनी देर भी सेट होने के लिए रख लें बट उतना अच्छे से डाई रिलीज़ नहीं करेगा। आप यहाँ पर इसका कलर भी देख सकते हैं, ग्रीनिश कलर नहीं ब्लैकिश कलर दिखाई देगा, यानी पेस्ट का कलर भी ब्लैक दिखाई देगा। अगर हमारा नेचुरल हेन्ना पाउडर ऑर्गेनिक वाला रहेगा तो बहुत ही प्यारा सा ग्रीनिश कलर रहेगा, अच्छे से सेट होगा, डाई रिलीज़ करेगा। बट फिर भी अगर हम मार्केट वाले हेन्ना पाउडर्स यूज़ करते हैं तो उसमें ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट हेन्ना पाउडर रहेगा, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें स्टेन, जो फ्रेश स्टेन रहेगा इस तरह रहेगा। ये मैंने 5 to 10 minutes के बाद इसको रिमूव करके दिखा रही हूँ। अब आपकी चॉइस है ये हेन्ना पाउडर को यूज़ करें या ना करें। नॉट बैड, हम इसको यूज़ कर सकते हैं।